एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। मेरा नाम है रेयांश और मेरे चैनल का नाम है रेयांश ड्रीम वर्ल्ड। तो गाइस, आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम अटारी वाघा बॉर्डर से अपने होटल को आ गए। हमने होटल में चेक इन किया और उसके बाद हम सीधा मार्केट एक्सप्लोर करने चले गए। तो गाइस, हमने मार्केट में ब्रावा द ढाबा में आके डिनर किया। मार्केट से हम एक सीधा रूम पे आए और हमने थोड़ा आराम किया। आप देख ही सकते घोड़े बैठ से। और ना, जब वो रात हो रही थी ना, तो मैंने ना अपनी विंडो पे लग दिया था फॉग से सब तू रेयांश ड्रीम वर्ल्ड। गाइस, मैं ब्रश करने जा रहा हूँ, सबसे सबसे लेट जगह पर, तब सबसे जल्दी आई रेडी हो रहा हूँ। वो देखो पापा, पापा पापा अभी तक रेडी ही नहीं हो पाए। गाइस, मैं रेडी हो गया था इसलिए मैंने थोड़ी देर फोन देख लिया। मेरे हाथ को अब मेरे बार मजेदार। मैंने क्या था? गाइस, हम लोग जा रहे हैं गोल्डन टेंपल। गाइस, हम लोग जा रहे हैं गोल्डन टेंपल। मजाक करो गाइस, चलिए चलते हैं। पापा पता नहीं कहाँ रह जाते हैं। मैं जा रहा अकेले, मुझे डर लगता है। और देखिए इधर को कितना सुंदर नजारा है। वो देखिए कैसे उड़ के गई चिड़िया। गाइस, आप कहीं से ना मेरे 4 सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, मेरे 600 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। मुझे फटाफट से 1K करवाने हैं। 2023 का गोल बताओ क्या हूँ। मेरा 2023 का गोल है कि मैं 2023 में 1K सब्सक्राइबर्स कराऊंगा। तो ये है हमारे होटल से गोल्डन टेम्पल का रास्ता। जाओगे जी वाघा बॉर्डर में? कल चले गए। तो हमारे होटल से गोल्डन टेम्पल का रास्ता ओनली हार्डली 100 स्टेप्स का था और हम उधर सुबह भी गए और शाम को भी गए। तो गाइस, सर पे आपको ये चीज बांधनी होगी और अगर आपके बाल खुले हैं तो आपको चोटी करके जाना पड़ेगा। वैसे उधर भी रबड़ बैंड से, अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा पहुंचने में। तब तक आप मार्केट देखिए हमारा, और ना आप इधर की टाइल्स देखिए कितनी सुंदर है ना, वाओ। और ना इधर वो रात जब होती है तो पता नहीं कोई, सब लोग ना टॉय उड़ाते हैं, वो पता नहीं एरोप्लेन जैसा दिखता है वो टॉय। नहीं, एरोप्लेन नहीं, वो ना बहुत ऊपर जाता है, ऐसे खींचते ऊपर। तो और गाइस, ये है प्राचीन शनि जी का मंदिर। तो ये बहुत पास है गोल्डन टेंपल के, और ना ये है गोल्डन टेंपल का आउटर वाली बाउंड्री टाइप की। और ना इधर ना एक वो जूता घर है, उधर ना आपको जूते रखने होते हैं। और ये है गोल्डन टेम्पल, कितना सुंदर है ना, पूरा गोल्ड का बना है, गोल्ड।
मजा आ गया देख के। और ना ये रात को तो अति सुंदर अति उत्तम दिखता है। गाइस जैसे ही आप उधर पहुंचोगे तो आपको सबसे पहले आपको वो ऐसे घुटने टेकने होते हैं उनके सामने। और ना आपको जो ये सरोवर है ना, आप अगर सर्दियों में आओगे बहुत ठंडा है, मेरे तो पैर ही जम गए थे उधर। और ना आपको सरोवर में अपने हाथ हाथ पैर धोने पड़ेंगे। और ये हमारे गोल्डन टेम्पल का लाइन में जाने का रास्ता है। इधर ना बहुत बड़ी लाइन थी, सब लोग तो कहते थे 2-3 घंटे में होता है, हमारा आधे घंटे में हो गया। देखिए इतनी बड़ी लाइन है और हमारा आधे घंटे में हो गया। हम दर्शन करके आ चुके हैं और इधर बहुत सारी सुंदर सुंदर सी मछलियां हैं। देखो रंग बिरंगी कितनी क्यूट है, कितनी सुंदर है ना। देखिए कितनी सारी एकदम झुंड है इनका। मेरे पैर ना इधर बहुत बहुत तड़प रहे थे ठंड के मारे, बहुत तड़प रहे थे, बहुत ठंड थी उधर। और ना इतनी बड़ी लाइन थी, हमने आधे घंटे में कवर कर लिया। मैं ये सोच के हैरान हूँ। अभी हम जा रहे हैं इधर से, क्योंकि अभी हमें घर भी तो पहुँचना है। होटल ये है गोल्डन टेम्पल, देखिए ना कितना सुंदर है। मुझे तो ठंड नहीं लग रही, मेरे मुंह को ठंड लग रही है। और ना मेरा मुंह से धुआं भी निकल रहा है, आपको दिखाता हूँ। शायद आपको तो पापा ने पहले कहा पहले नाश्ता कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट। तो हमने ब्रेकफास्ट किया एक फेमस कुलचे वाले भैया के पास, और उनकी दुकान का नाम है भाई कुलचे वाला। बहुत यम्मी था उनके कुलचे। और ये देखिए बर्ड्स का नजारा, गोल गोल घूम भी है, देखा कितना सुंदर है, झुंड में। और ये है उनकी दुकान। इधर ना जो वो क्या कहता है कुलचा होता है ना, कुलचे के ऊपर ऐसे मक्खन डाल के देते हैं, बड़ा मजा आता है खाने में, बहुत मजा एकदम। आप भी इधर आना, बहुत मजा आएगा इधर। और ना इधर बहुत सारे टाइप्स के, मुझे तो बताओ कौन से अच्छे लगे। मुझे तो गोभी आलू पनीर, मैंने बस वही 3 खाए थे, मुझे वो तीनों ही अच्छे लगे, इतना यम्मी था। आज के लिए इतना ही, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।